पैथोलॉजी लेबोरेटरी मैनेजमेंट 2.0 सॉफ्टवेयर आज लॉन्च कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये हमारी बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु की वेबसाइट के ऊपर चले गए। यहाँ पर मेडिकल सेगमेंट में पैथोलॉजी लेबोरेटरी सेंटर है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करने से इस तरीके से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइल फटाफट डाउनलोड हो जाती है दोस्तों। इसको यहाँ पर से क्लिक करें और इंस्टॉल स्टार्ट कर दे। यहाँ पर ये देखिए मोर इन्फो पे क्लिक करना है, रन एनीवे का बटन दबाना है, सीधा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये डी ड्राइव में पैथलैब 2.0 करके फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, इसको अभी स्टार्ट नहीं करना है, फिनिश करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके अभी और सपोर्ट सेटअप आपको डालना है, जो विंडोज़ के सपोर्टेड रहता है तो वो आपको डालना है। यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन कर देंगे राइट क्लिक करके, और ये फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे सेटअप के फोल्डर के अंदर। ये रहा सेटअप का फोल्डर, इसके अंदर दो सेटअप फाइल है, सपोर्ट सेटअप प्रोवाइडर सेटअप, दोनों को इंस्टॉल कर देना है आपके कंप्यूटर में दोस्तों, तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अंदर यदि आपको पेशेंट का नाम लिखना है तो वो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, उसके लिए ये सपोर्ट सेटअप डालना है, जो विंडोज़ के अंदर सपोर्टिंग रहती है। विंडोज़ की DLL फाइल का ये सेटअप है। दोनों सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये CR9 फाइल है, ये भी फाइल है, इसको भी ये सेटअप रन कर दीजिए आपके PC के अंदर। इससे आपका काम हो जाएगा, आप रिपोर्ट वगैरह देख पाओगे रीजनल लैंग्वेज के अंदर। यदि रीजनल लैंग्वेज आपके पास विंडोज़ 10 या 11 नहीं है तो आप गूगल इनपुट टूल का सॉफ्टवेयर वर्जन भी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी इसकी exe फाइल यहाँ पर ही रख दिए फोल्डर के अंदर। अब आप सीधा बाहर चले जाइए, आइकन आपका पड़ा हुआ है पैथलैब 2.0, इसको स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कर दीजिए, कंटिन्यू दबा दीजिए। यहाँ पर क्रिएट न्यू कंपनी करके बटन है, ये बटन प्रेस करके आप आपके लैब का नाम एड्रेस वगैरह यहाँ पर टाइप करके सीधा आपकी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने लॉगिन कर दिया, लॉगिन आईडी में है एक, यूज़र नेम पासवर्ड में एक, लॉगिन का बटन दबा दिया, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर सब आइकन रखे हुए हैं, यहाँ पर लैंग्वेज कन्वर्जन का भी ये आइकन रखा हुआ है, इसको अप्लाई करने से आपकी लैंग्वेज भी कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये गूगल इनपुट टूल ले लेगा, तो जो भी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, आप आइए चलते हैं, ये डैशबोर्ड देख लीजिए। ये डैशबोर्ड के ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी, पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं, पेशेंट का नाम डाल दिया, नंबर अपने आप आ जाएगा, मिस्टर मिसेस सिलेक्ट कर लिया, पेशेंट का मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे वही व्हाट्सएप के दरमियान आपको रेडी मिल जाएगा, जो आप वही नंबर पे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पर ये देखिए सर्च टेस्ट ग्रुप, तो ये टेस्ट ग्रुप जो भी सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पर लिस्ट में आता जाएगा, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको प्री डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट अमाउंट के अंदर आप रिसिप्ट कर देंगे तो उसका कैश अमाउंट भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप सब टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या बारी बारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट जो चाहिए वो नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिसिप्ट आ गई, देखिए आपको यहाँ पर ये रिसिप्ट दिख रही है दोस्तों, तो ये भी पूरा कस्टमाइज हो जाता है, जैसा चाहिए वैसे रिसिप्ट बन जाती है। पेशेंट को अकाउंट की डिटेल भी मिल गई, क्लोज कर दिया। अब आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हम रिपोर्ट की एंट्री कर लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर ये बाहर भी डैशबोर्ड के ऊपर आइकन रखे हुए, वहाँ से भी यही काम हो जाता है। ये पेंडिंग रिपोर्ट के ऊपर डबल क्लिक कर लिया, मेक के ऊपर क्लिक करने से हो जाता है। ये यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मैन्युअली टाइप करने हैं। ये देखिए जो रेड हो जाता है मतलब वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा है, ऐसा दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह भी है, जो आप रिमार्क्स डाल सकते हैं, नरेशन डाल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की दूसरी जगह से फाइल को। हो गया, यहाँ पर रिसिप्ट अमाउंट पेंडिंग अमाउंट भी बताता है रिपोर्ट जनरेट करते वक्त, आपको यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट ले लेनी है वो भी ले सकते हैं। ये रिपोर्ट बन गया, अपडेट कर दिया, ओके कर दिया।
डू यू विश टू प्रिंट द बिल, यस। ये सब टेस्ट के ग्रुप आ गए। यहाँ पर ये देखो इम्पोर्टेंट है, जनरेट क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड आ गया, यही स्कैन करके आप पेशेंट को दे दोगे या डॉक्टर को दे दोगे, तो डॉक्टर उसी को स्कैन करके पूरा रिपोर्ट व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड कर सकता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेते हैं रिपोर्ट का एक बार। यहाँ रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, देखिए क्यूआर कोड भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और ये पेशेंट का पूरा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये पूरा कस्टमाइज हो जाता है। यहाँ हेडर, आपकी हेडर की जगह खाली है, यदि व्हाट्सएप करना है तो आप हेडर आपका अपने आप बन जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये रहा रिपोर्ट हेडर, तो यहाँ पर ये आपकी लैब का नाम, लोगो वगैरह आ जाता है दोस्तों। तो ये भी इस तरीके से बन जाता है और यही रिपोर्ट को सीधा व्हाट्सएप कर देना है तो कुछ नहीं है आपको। यहाँ पर ये देखो व्हाट्सएप टू पेशेंट और व्हाट्सएप टू डॉक्टर, यहाँ आप नंबर डाल दीजिए। मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ 9727955514, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये देखिए ये सीधा व्हाट्सएप के अंदर API स्टार्ट करके व्हाट्सएप ये स्टार्ट कर रहा है। इसको अलाउ कर दीजिए, यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फायरवॉल रोकेगा उसको। और ये देखिए ये व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया और इसके अंदर आपका लैब का रिपोर्ट PDF बन के सीधा चला जाएगा। ये देखिए ये रिपोर्ट आ गया, PDF के ऊपर क्लिक करते हैं, ये PDF ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, देखिए आपका रिपोर्ट व्हाट्सएप के अंदर फटाफट रेडी टू यूज़। तो फास्ट काम होता है, रिलायबल काम होता है, पेशेंट को डॉक्टर को तुरंत ही डेटा मिल जाता है ताकि वो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके आपके लैब के अंदर रिपोर्ट करने के बाद। ये अलग अलग रिपोर्ट्स है, हॉस्पिटल रिपोर्ट, पेशेंट वाइज रिपोर्ट, ग्रुप वाइज रिपोर्ट, टेस्ट वाइज रिपोर्ट, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट वाइज कंपैरिजन भी आता है। ये ग्राफिकल रिपोर्ट है दोस्तों, टूल है, रिपोर्ट पर बिल्डर टूल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप बल्क प्रमोशंस है, यहाँ पर टाइमलाइन दिया हुआ है और मास्टर्स के अंदर पैकेज भी आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, और उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो तुरंत ही फटाफट वो सब ग्रुप वगैरह आ जाते हैं। टेस्ट मास्टर दिया गया है, इसके अंदर आप टेस्ट को सर्च कर सकते हैं, ग्रुप वाइज सर्च कर सकते हो। जैसे हीमोग्लोबिन सिलेक्ट कर लिया, उसकी पूरी डिटेल वगैरह डालनी है, यहाँ पर से हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज, अपर रेंज, लोअर रेंज, और पूरा कम्बाइनेड टेस्ट का पूरा नोट्स वगैरह टाइप करना है वो भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं दोस्तों। न्यू का बटन दबाकर कोई भी नया टेस्ट, नया ग्रुप हम यहीं पर से टेस्ट एंट्री में से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पर अंडरलाइन, वाइडल टेस्ट, ये सब डेटा भी आप टेस्ट मास्टर के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है। कंपनी इन्फो के अंदर आप आपका नाम, एड्रेस वगैरह टाइप कर सकते हैं जो आपके लेटर हेड के अंदर अपने आप बन जाएगा। थैंक यू।